एक बहुजन बेटी जो बीते 135 दिनों से आंदोलन कर रही थी, उसके आंदोलन को खत्म करवा दिया गया है। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से महिला खिलाड़ियों के आंदोलन को खत्म कराया गया था। पूरी जानकारी आगे मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर रितु आंदोलन क्यों कर रही थी, उनके आंदोलन को किस तरीके से खत्म करवाया गया और अब पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले मैं आपको दो वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये पहले का वीडियो है आपकी स्क्रीन पर। ये पुराना वीडियो है जब डॉक्टर रितु इंसाफ की गुहार लगा रही थी, न्याय की गुहार लगा रही थी, कह रही थी कि उन्हें जस्टिस चाहिए, उन्हें नौकरी नहीं बल्कि न्याय चाहिए और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वे आंदोलन को नहीं खत्म करेंगी। लेकिन आज सुबह डॉक्टर रितु कहती हैं कि जब वो फ्रेश होने के लिए गई थी तभी कुछ पुलिस के जवान पहुंचते हैं और इसके बाद उनके आंदोलन को खत्म करवा दिया जाता है। अब आप इस वीडियो को देखिए किस तरीके से ये वीडियो बनाया गया है और बताया जा रहा है कि वहां पर अब सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान हैं, सीआरपी के जवान हैं, इसके अलावा वहां पर कोई पोस्टर बैनर नहीं है। और डॉक्टर रितु ने आज एक वीडियो सुबह सुबह जारी किया और उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को फाड़ने का काम पुलिस ने किया है, पुलिस ने बाबा साहब का अपमान किया है, पुलिस और डीयू प्रशासन दोनों मिले हुए हैं और ये लोग नहीं चाहते कि एक एक्यूज के खिलाफ जो प्रिंसिपल है दौलतराम कॉलेज की, जिसका नाम सविता रॉय बताया जाता है, उसके खिलाफ कोई आंदोलन चले, दिल्ली पुलिस नहीं चाहती और इसीलिए आंदोलन को खत्म करवा दिया गया है। डॉक्टर रितु आगे भी कहती हैं कि उनका आंदोलन जारी रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप इस फोटो को देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बकायदा वहां पर बैनर लगा दिया है बैरिकेड पर और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यहां पर धारा 144 लगा दी गई है, यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता है या यहां पर 4 से 5 व्यक्ति इकट्ठे भी हो जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के 8 फैकल्टी के गेट नंबर 4 पर डॉक्टर रितु बीते 135 दिनों से यानी 4.5 महीने से आंदोलन कर रही थी, उनके आंदोलन को खत्म करा दिया गया। लेकिन आप सोचिए कि जहां नरेंद्र मोदी कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, बेटियों को उनका हक मिलना चाहिए, सवाल मेरा यही है नरेंद्र मोदी की सरकार से, क्या बेटी होना, लड़की होना, दलित होना, आदिवासी होना इस देश में गुनाह हो गया है? अरे डॉक्टर रितु का क्या गुनाह था कोई बताएगा? सिर्फ गुनाह उनका इतना था कि दौलतराम कॉलेज में पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी और उनको गलत तरीके से निकाला गया, क्योंकि डॉक्टर रितु दलित समाज से आती हैं, दलित की बेटी हैं, इसीलिए उनको इंसाफ नहीं दिया गया। जब डॉक्टर रितु फ्रेश होने के लिए गई हुई थी वहां पर दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों को लगा दिया गया है। अब आप सोचिए, कोई बेटी कह रही है उसे नौकरी नहीं, उसे इंसाफ चाहिए, ये लड़ाई अकेले डॉक्टर रितु की नहीं है, ये लड़ाई बहुजन समाज की लड़ाई है। डॉक्टर रितु लगातार गुहार लगा रही हैं बहुजन समाज से कि बहुजन समाज के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे लोग तुरंत दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर पहुंचें और डॉक्टर रितु को इंसाफ दिलाने का काम करें। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर अभी जो वीडियो है इसमें आप देख पा रहे हैं सीआरपी के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, इसके साथ ही साथ यहां पर डीटीसी की बसें लगा दी गई हैं, इसीलिए बसों को लगाया गया है कि अगर डॉक्टर रितु दोबारा से आंदोलन करने के लिए आती हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाएगा, जबकि हमारा संविधान, हमारा कानून यही अधिकार देता है कि अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता, आपके साथ अन्याय होता है तो आप सड़कों पर आइए, आप आंदोलन कीजिए, आप अपने हक और हुकूक की आवाज को बुलंद कीजिए, लेकिन यहां पर इंसाफ मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है।
जब मेरी बात फोन पर डॉक्टर रितु से हुई, उन्होंने कहा कि बिना इंसाफ लिए, बिना न्याय लिए वे अब नहीं हटने वाली हैं। उनकी जान भले चली जाए लेकिन वह अब झुकने वाली नहीं है, वे इंसाफ लेकर के ही अब यहाँ से जाएंगी। आपने देखा था, महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया, लगभग 35 दिनों तक उनका आंदोलन चला, लेकिन इसके बाद किस तरीके से उनके आंदोलन को खत्म करवा दिया गया। किसने खत्म करवाया था? दिल्ली पुलिस ने खत्म करवाया था। महिला खिलाड़ियों को, पहलवानों को डिटेन कर लिया गया था, ना जाने किन किन थानों में उन लोगों को रखा गया था। चलिए मैं आपको और फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। आपने देखा था, जब हमारे देश के तमाम मुसलमान भाई आंदोलन कर रहे थे CAA के खिलाफ, NRC के खिलाफ, तो भी पुलिस ट्रक लेकर के आई थी और जो तंबू वगैरह था सबको उखाड़ कर लेकर चली गई थी और आंदोलन को खत्म करवा दिया गया था। चल क्या रहा है नरेंद्र मोदी जी, आपके नाक के नीचे हो क्या रहा है? अधिकार किसने दिया पुलिस वालों को कि आंदोलन खत्म करवा दिया जाए? ना तो कोरोना आया है, ये जो डॉक्टर रितु हैं आंदोलन कर रही थी, ना तो ये हिंसक हुई हैं, कुछ भी नहीं, बहुत ही पीसफुल तरीके से इनका आंदोलन चल रहा था। इंसाफ ही तो मांग रही थी, न्याय की गुहार तो लगा रही थी। क्या न्याय की गुहार लगाना, इंसाफ मांगना अपराध है, गुनाह है? एक तरीके से ऐसा लगता है संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि संविधान तो मैं बनाकर जा रहा हूं, बहुत बेहतरीन संविधान है, लेकिन संविधान और भी ज्यादा बेहतर तभी होगा जब इसे लागू करने वाले लोग बेहतर होंगे, और वो बात पूरी तरीके से सच है। अब आप सोचिए कि बेटी आंदोलन कर रही थी, इंसाफ गुहार लगा रही थी, और कह रही है वो बेटी, डॉक्टर रितु कह रही हैं कि बाबा साहब की तस्वीर रखी गई थी वहां पर, फोटो लगाया गया था, उन फोटो को फाड़ने का काम पुलिस ने किया है और दिल्ली पुलिस ने डकैती की है, और अब वहां पर पोस्टर लगा दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दो चार की संख्या में इकट्ठे नहीं हो सकते और यहाँ पर कोई भी आंदोलन अब नहीं चलेगा। दिल्ली पुलिस को ये पता है कि डॉक्टर रितु यहाँ पर आएंगी, आंदोलन करेंगी, इंसाफ की गुहार फिर से लगाएंगी, और दिल्ली पुलिस नहीं चाहती यहाँ पर अब कोई आंदोलन हो, इसीलिए DTC की बसों को लगाया गया है। और इसके बाद अगर ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, इनके आंदोलन को तो पहले खत्म करवा दिया गया है, अब इन लोगों को डिटेन भी किया जा सकता है और अगले कुछ ही घंटों बाद फिर छोड़ दिया जाएगा। और अगर डॉक्टरी तो फिर आंदोलन करने आएंगी, फिर इसके बाद इनको डिटेन कर लिया जाएगा। और जो नोटिस चिपकाया गया है, जो पोस्टर लगाया गया है, उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि फरवरी के महीने तक यहाँ पर धारा 144 लागू रहेगी। अब समझ में नहीं आ रहा है धारा 144 लगाया क्यों गया है, क्या दिक्कत है? यहाँ पर कौन सी ऐसी घटना हो गई या कौन सा व्यक्ति आ रहा है, इस बात की कोई भी जानकारी अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। तो यही लगता है कि बहुजन होना, दलित होना और इंसाफ मांगना हमारे देश में अपराध, गुनाह हो गया है, और इसीलिए डॉक्टर रितु के आंदोलन को खत्म करवा दिया गया। और रितु बार बार कह रही हैं कि उनके आंदोलन पर डकैती की गई है और अब पूरी एरिया को खाली करवा लिया गया है। आप लोग पूरी खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।